हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। आपको आजादी की शुभकामनाएं, आजादी दिवस की शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की आपको सभी को शुभकामनाएं। इस दिन हम आजाद हुए थे भाई। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आज हम जा रहे हैं 15 अगस्त। सभी व्यूवर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम इस दिन आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी। व्लॉग की शुरुआत हुआ है जी, मैं अपने बच्चा ने पहले रेडी कर दूं। आज इनका फंक्शन है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। मिष्टी ने तिरंगा का सूट डाल रखा है, बनाया तो मैंने सानू का भी है, लेकिन सानू का जो है थीम है वो फ्रॉक का डालना है इनने। इनका डांस जो है यो जी, मेकअप बिखरा पड़ा है इतना सारा, मेकअप लगाऊंगी मैं भी इनके। वीडियो में बने रही हूँ, पहले मैं चुन्नी सेट करूँ हूँ, पिन वगैरह लगा दू हूँ ताकि चुन्नी खिसकेगी नहीं डांस करते वक्त। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि आज मेकअप होगा इनका। और मैंने कुछ बात भी बताई थी भाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने कितनी ज्यादा मतलब कठोर तपस्या लगा लो, कठोर परिश्रम लगा लो, सब कितना सारा मतलब अपने मतलब एफर्ट लगाए थे, तब जाकर हमने आजादी मिली थी। इतनी उन आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने हमारे लिए, उनको हमें नहीं भूलना है, उनको भी याद रखना है। उनके ही बदौलत हम आज भाई आजादी की सांस ले रहे हैं, नहीं तो सभी गुलाम थे। तो हरी बिंदी भी लगा दी हूँ मैं, मिस्टिक है इनको लगानी थी, या तो ऑरेंज या फिर ग्रीन। पहला मैं बच्चा ने रेडी करूँ, उसके बाद मैं सारा काम कराया है मैंने भाई, कदे लेट ना हो जाओ इस चक्कर में। मेकअप में पूरा टाइम लग गया था, हमने बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर बच्चे मैंने रेडी करे थे अपने। हाँ क्या ये भी आपको बोल रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? हाँ शुरुआत कर दी है जी मैंने, बिंदी लगा दी है और मैंने मैं हेयर्स कर दी हूँ रेडी। बाल बढ़ गए हैं, मिस्टी के उलझन लगे हैं बच्चे तो यूं सोचे हैं बस बाल तो मम्मी जितने बड़े हो जावे और उलझा भी नहीं और अच्छे तो रेडी नू गनू रहे रहो है। अभी ना पता चला है थोड़े थोड़े से बड़े हो, जबकि बाल बड़े रखने में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े है, ऐसे ही नहीं रहते। मिस्टी का सॉन्ग है एक बार सलामी दे दो उन जवानों को, और सानू का सॉन्ग है आई लव माई इंडिया, जो कि मैंने घर पे प्रैक्टिस भी करवा रखी है, मैंने शॉर्ट्स लगा रखे हैं। ये मैंने ऑरेंज कलर का ही मैं इसका जो आई मेकअप है, आई शेडो है वो करूँ हूँ। अब सानू बांदर की बारी है आई मेकअप की। मम्मा ने भी खिला दे थोड़ा सा, अब आप खाओ है भाई। बहुत मीठा अमरूद ले रहा छोरे। मैंने बच्चे समझा दिए थे भाई मेकअप कर तो दिया है, लेकिन पहले मैंने फेस पे जो है नारियल का तेल लगा दिया था इनका अच्छे से, ताकि एलर्जी वगैरह कुछ ना हो। और मैंने समझा दिए थे कि अगर जरा से भी खुजली माचे ना फेस पे, आईज पे या फिर कहीं पे भी, तो तुरंत ना अपनी मैम या फिर जो वहाँ पे आंटीज होती हैं सर्विस के लिए हैं आंटीज वहाँ बच्चों के लिए, तो उन पर अपना फेस धुलवा लियो बेटा अच्छे से। समझा दिए थे मैंने बच्चे स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह ना कर जाए।
ऑटो पर भी पहले मैंने ऑयल लगाया है कि कुछ भी हार्मफुल ना हो बच्चा खातर। मिष्टी तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस मैंने इसका जो है लाइनर लगाना रह गया है, शेडो और लिपस्टिक मैंने लगा दी है, अब लाइनर की बारी है। मस्कारा वगैरह ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं करा है मैंने, खाली लाइनर ते काम चल जाओगा, मस्कारा में तो फिर वह पलका पजमा पकड़ बना लेवा है आपने। मैं जूम करके दिखाऊंगी थोड़ा सा कैमरा लगाए पाछे आई लाइनर की कितने क्यूट लगे है मेरी सुंदर सी बेटी। नहीं काइज कंप्लीट कर दी है बहुत मेहनत तो हुआ है लाइनर लगाने में भी और उसके बाद फिर सुखाने में भी, लगाने वाले की तो हुआ है और फिर बाद में सुखाना पड़ा है वह और भी ज्यादा हुआ है। आईज खोलनी है नहीं उसकी बिल्कुल भी। जमा एकदम बराबर नज़र है मेरी, जमा भी कुछ भी नहीं हिलना चाहिए एक पलक भी छोटी सी भी, जब बटे डमेडा हो जाओगा। देखो जो जूम करा हमने कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया, सूट तो मैंने 3-4 दिन पहले सील दिया था, इनकी रिहर्सल वगैरह भी सूट में हुई है बच्चा की, सानू ने भी अपना सिलवा लिया था जिद करके तो मैंने सानू का भी सिल रखा है। वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड करूंगी इनके डांस की, जमा छोटी सी है वो इस उसकी कट करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा उसका इशू हुआ है कॉपीराइट वगैरह का, अगर वो इस आगे तो सॉन्ग की देखो जी सानू भी जमा चकाचक सुंदर बच्चे बना दिए हैं कति ब्यूटीफुल सी गर्ल ये मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया था इनका, बस खाली मैंने यहाँ एक्टिंग कर रखी है जो गालों पर लगा रखी है कि बच्चे खुश हो जाओगे कि हमारे फुल मेकअप हो रहा है, इतना तो पता ही होगा बच्चा ने कि ऐसे ऐसे ब्रूश का मेकअप हुआ है, बस मैंने खाली एक्टिंग कर रखी है इनकी, आईज क्लोज करवाए पाछे सोची थी यो वाला सीन करूंगी। बच्चा का फुल यूं हो जाओगे, ओह जमाज तो फुल मेकअप हो गया है, सानू गर्दन ही ला रही है, मैंने समझा दी थी कि सानू आईज मत ओपन करिए बेटा, नहीं तो इतना टाइम नहीं है कि पूरा फुल मेकअप मुंह धुलवागा दोबारा होगा। सानू के लिए मैं बिंदी चूज कर रही हूँ कि कौन सी लगाऊं, जो इसके फ्रॉक की बिंदी थी जो मतलब सी ग्रीन कलर है यो, इस कलर की लगाई थी तो वह गुम कर दी इसने थोड़ी सी देर पहले, अब फिर यह दोबारा तो ब्लैक लगाई है मैंने, इस पर ब्लैक प्यारी लग गई। लो जी हो गए हैं बच्चे रेडी, फिर तो मैं आ गई हूँ जी किचन में, अब पहले मैंने बच्चे तैयार कर दिए हैं, आज फिर और सारा काम मैं बाद में निपटाऊंगी। जीरे का लगा दिया है छोंक क्योंकि आज है टुडे इज ट्यूजडे, तो मैं उस दिन प्याज और लहसुन नहीं खाया करती, सारे ही नहीं खाते मैं क्या यूज नहीं करते उस दिन शनिवार ने और मंगलवार ने। सिंपल सी दाल बना दी है, दाल चढ़ा दी है, 2-2.5 कटोरे और हम पानी के डाल देंगे इसमें,
मूंग की दाल है, जीरे का छौंक है, जो मैं हेल्दी हेल्दी हो जाओगी। मैं बाग बाग कर निपटाऊंगी सारा काम, क्योंकि काफी टाइम लग गया बच्चा ने मनाने में और तैयार करने में। सानू माने नहीं रही थी फ्रॉक के लिए, सानू ये बोल रही थी कि मैं भी ऐसा ही सूट पहनूंगी जो सूट बना रखा है मम्मा, यो फ्रॉक वगैरह मैं नहीं पहन के जाऊं। ये रोचक साहब दूध लेन चाल पड़े हैं। क्या हो गया मुन्ने, बनाना है कर पाओगा? आ जाओ आ जाओ, शरारत करेगा पापा कही है। अम्मी तो पापा कही है, ये पापा मिट्टी का देता है, मिट्टी माँ छानू कुछ तो कह दे। दाल रखते जी मैंने चून बे दिया है फटाफट। जो दो एक बर्तन है ये भी साथ के साथ कर दूंगी। पर ज्यादा नहीं होंगे जब खाना खाएंगे, एक दो थे ये मैंने कर दिए हैं। चून बे और दाल चौकी और चाय पानी के बस ये थे, ज्यादा नहीं थे। ये वाटर बोतल वगैरह भी या भी दो दूं या भी भर दी। सानू ने अपनी वाटर बोतल का ढक्कन गुम कर दिया है, तो सानू के लिए छोटी बोतल भरूंगी। और सानू की तो वैसे भी आप प्रयागरा पूरी नहीं लेके जाया करती, पूरी पी कर नहीं आया करती, तो आप प्रयागरा या छोटी वाली बोतल मैंने भर दी है कोक की, तो चढ़ा दिया है। मैं फटाफट बच्चा की रोटी बना दूँ, घी निकाल लिया है और हस्बैंड जी आ गए हैं हेल्प खातर। मैंने यूँ कहा है मैं थोड़ी सी हेल्प प्लीज कदे बच्चा की बस मिस ना हो जाए, जल्दी तय आप भर दो, मतलब जो दाल वगैरह है या डाल दो टिफिन में, ठंडी हो रही है, और लस्सी की बोतल भर दो, मैं फटाफट खाना बना दूँ। यो जी बनकी है रोटी, और मैं इन्हें चपड़ दूँ, थोड़ी थोड़ी ठंडी कर दूँ, टिफिन मैं भर रख दूँ, मतलब जी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ हरा स्टॉल डाल रखे है। मेरे पास और ज्यादा कुछ हरा था नहीं, और सुमित भी मैंने हरी टी शर्ट पहना रखी है, वाइट और ग्रीन कर रखा है मैंने, ये भी ग्रीन पहन रहे हैं टी शर्ट भी, आज कुछ ग्रीन हमने डालना चाहिए। मेरा तो वाइट ग्रीन हो गया, ऑरेंज मेरे पास कुछ है नहीं, और सुमित भी मैंने ग्रीन टी शर्ट ही वाली पहना दी थी माँ भाई, आज इंडिपेंडेंस डे है तो कुछ तो हमने भी पहनना चाहिए। मैंने पोछा लगा दी हूँ, पानी दे दी हूँ, छोटी छोटी क्लिप में दिखा दिया है बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता नहीं तो कट करना पड़ा मैंने, मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो फिर इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते फिर। सारे पौधा में पानी दे दिया था मैंने, और याड़े का जिड़े का वह है गमले थोड़ा गीला हो गया था, साफ कर दिया है। अब मैं जी फिर तो आ गई हूँ किचन में,
आ जाओ जी मेरे साथ। इब देखा कि काम बच रहा है, बच्चे चले गए हैं और इब हस्बैंड जी और मेरे मेरा खाना बनाएगा दोनों के लिए। बच्चा की दाल निकाल दी है मैंने, जो दोपहरा आकर रोटी खाऊंगे तब। अब मिर्ची काट दूँ मैं इसमें, ना मुन्ने तू तो उल्टे काम करे बंदर। अरे टीवी चला, नींबू भी निचोड़ दूँ। फूल कत्ती खट्टी खट्टी सी हो जाओगी, चरचरी चरचरी बढ़िया लगेगी कत्ती। जो नींबू निचोड़न का उसकी मैंने सहायता नहीं ली है क्योंकि उसमें अच्छे तो नहीं हो पाता, जो इसके रेशे ही हो ना खट्टे, ये सब भी मैं ऐड कर दूँ इसमें आग के साथ। तो सुमित की भी मैं ठंडी कर दी हूँ दाल, या पैक कर दी है सुमित भी। आज कल बच्चा वाला है टिफिन दे हूँ क्योंकि बैग में वाटर बोतल वगैरह लेकर जाऊँ तो इतना स्पेस नहीं रहता। सुमित का बहुत ज़्यादा लेंथी टिफिन है तो बच्चा वाले में जो एक्स्ट्रा हूँ ना मैं काम चला दूँ मैं। अरे भाई ना रे ओ मंत्र, ये दो एक बर्तन भी कर दी हूँ ये लाए मैं, मौका नहीं चुकन दिया करती मैं। बर्तन दिखते मैं उस टाइम पर कर दिया करूँ ना भाई। ना भाई ना भाई ना चिड़का नहीं मचा रहा, तू तो मम्मी का फायदा उठा रहा है। मम्मा काम करने लग रही है तो तू उल्टे काम कर दे, सारी शरारत आज करेगा। ये तो निकल के लिए बचा ले, दिन के लिए बचा ले। ये भी तो ना बिट रे, मिट्टी भी कर दिया करूं मैं, मिट्टी ऐसे ऐसे मिट्टी। लो जी मैं रोटी बना लूं, तो दाल टेस्ट कर लो। वाह जी वाह, चमक कमाल बन रही है। जैसे सिंपल तड़का था बहुत अच्छी बन रही है। फिर तो चढ़ा दिया है, अब मैं सुमित की पहला पैक करने की बनाऊंगी रोटी, बिल्कुल छोटी छोटी सी बिना करारी। और जो ईब खाने वाली है मैं होंगी करारी। अमरूद दोपहरे खातर रेडी कर दिए हैं मैंने, दो दागन 6 अमरूद रखे हैं फ्रिज पे, बच्चे आते ही निपटा देंगे। चोट मार दिया कर बच्चे को, खा जाएगा कच्ची भूखा पड़ लेगी। फूली फूली रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है और आवाज मैंने बस उम्मीद तक नहीं लगाई है कि रोटी खा लो, क्योंकि आज मैं पहले पैक करने की बनाऊंगी, नहीं तो इतने ज्यादा तगाजा तार दे अगर पहला खाने की रोटी दे दूं तो। मैं अच्छे से ठंडी भी नहीं होती हूँ ना जल्दी जल्दी, मैं गर्मा नहीं पैक करवा के भाग जाऊं। इस बीच हमने घिया की सब्जी की घिया मतलब बेचन वाला आ रहा हुआ है गली में, वो रुके मारन लग रहा है। सुमित पूछे है मेरे पे कि क्या लौकी हमने लेनी चाहिए, मैं हाँ बोल दूँ कि हाँ भी ले लेंगे, हेल्दी सब्जी थी तो ऑलवेज यस है मेरी। सुमित मेरे पर यूं पूछ कर लिया करें क्योंकि मैंने पता चल जाओ अभी कौन सी टिकेगी है कौन सी नहीं है।
मैं टिक्के वाले में नहीं लिया करती, टिक्के वाले मेरा दखल कर दिया करे, जब भाई काल जब मैं दर्द उठ जाया करे लोग खाते मेरे शरीर में पता चल जाया करे। तो जी आ गया है लोकी वाला, हमने मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे हमने परचेज करी। कोप छाट छाट का मैंने बढ़िया ले ली, फिर तो दो तीन दिन में कल अमरूद ले रहा था। कोई बात नहीं, आज तो बनेगी सब्जी, कल बनेगी। आज तो नहीं तैयार है, कम रहेगी किलो तो था। अरे ये तो ज्यादा लंबी थी नहीं, छोटी छोटी सी रुके माइनस पाव आई तो है। अच्छी काची बढ़िया बढ़िया, जीरो है, जीरो है कि नहीं, ये देख 996 चार ग्राम तक कम है, चले ना 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 कुछ ना है, लेकिन ये के तौर में कम ले लेंगे। चार ग्राम में तो था लो जी, रख दू हूँ मैं ना फ्रिज में, या जो लास्ट रोटी है तोए पर रख रखी है, ये हमारी बन गई है रोटी। मेरा बहुत कसूता हाथ जल जावा है, अगर आप नोट करोगे तो आपने दिख जाओगा। थोड़ा सा अचार भी पैक कर दूँ मैं, सुमित की रोटियाँ मैं दाल दाल नहीं, मैं सुमित इतनी ज़्यादा राजू होगा नहीं खाया कर दे, दाल कोई भी हुई अचार राजू का खाया करे, जो मेरा हाथ ही जल जाओ है बहुत तेज का कती। यहाँ उंगली दिखाऊं मैं कितनी ज्यादा जल गई, बाद में तो लस्सी वगैरह में डालू हूँ तब जाकर कुछ हुआ है, उंगली का बहुत ज्यादा दर्द कर रही है मेरे इस टाइम पर, चून वगैरह भी लगाऊ हूँ, पानी में भी रखू फिर लस्सी में डालू हूँ तब काम चला है। धन्यवाद जी, वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। राम राम जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी वॉइस मैंने बंद कर रखी है क्योंकि कॉपीराइट आ जावा है, तो वैसे ही आप इनकी देख लो, ये दोनों के मैंने सूट रेडी कर दिए थे मेरी दोनों गुड़िया के, बहुत ही सुंदर लग रही है तिरंगे की ड्रेस में। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, आप तो रूबरू होंगे। धन्यवाद जी।